राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूर्ण होने पर बुरहानपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक के नेतृत्व में पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर शामिल हुए। पैदल यात्रा शहर के इकबाल चौक से प्रारंभ हुई, जिसका समापन डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर हुआ। ये बताए कि अपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक साल पूरे हो गए, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़े हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हम देश के लिए बड़े खुशी की बात है कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू करी थी, उसका पूरा एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस खुशी में हम लोग आज पूरी कांग्रेस पार्टी हर जगह पूरे जिलों में, जिला मुख्यालयों पर सब यात्रा एवं एक सभा का आयोजन कर रही है। और उसी कड़ी में हम लोगों ने भी बुरहानपुर में इकबाल चौक से लेकर कमल टाकी, गांधी चौक होते हुए कमल टाकी, कमल टाकी से अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक पद यात्रा का हमारा कार्यक्रम बनाया है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाए।